So, today we will start swords, suit, जो कि हमारा air element का suit है uh, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटम सीजन को बताते है ये ऑटम सीजन कौन सा होता है पता है आप लोगों को वो होता है ये बसंत ऑटम सीजन फॉल सीजन को बोलते हैं जैसे आपके वो आते हैं जून जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर अक्टूबर तो तीन महीने ऑटम सीजन बताता ठीक है इसके अंदर जो है जेमिनी लिब्रा और एक्वेरियस राशियां इसको कवर करती हैं नॉर्थ वेस्ट इनकी डायरेक्शन है अब हम जब भी ये देखते हैं कि आपके पास कोई भी सूट आता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो सूट हमें कौन सी डायरेक्शन बता रहा है उसमें कौन कौन सी राशियां आ रही हैं ये सब आपको तो याद ही कर लेना है ठीक है क्योंकि उसी के हिसाब से हम बंदे को प्रिडिक्शन देते हैं जैसे किसी ने बोला कि मेरा घर किस साइड में बनेगा तो हमने यहाँ पे डायरेक्शंस लिखी हुई हैं तो एयर एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी है नॉर्थ वेस्ट तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर ये वाला कार्ड आया या फिर कोई भी कार्ड आया अगर एयर एलिमेंट का कोई भी कार्ड आता है वर्ड्स का तो आप बोल सकते हो आपकी आपका घर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा आपकी शादी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगी अगर कोई घर से चला गया है तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की साइड पे गया है अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है गुम गई है तब भी आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की साइड पर देखेंगे वो हमने इसलिए बोला क्योंकि एयर एलिमेंट की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है अब क्योंकि एसिस का हमें पता है कि एसिस में नई शुरुआत होती है नई बिगनिंग है अब जैसे हमने कप्स में देखा था कि नए रिलेशन की शुरुआत है ऐसे ही स्वॉर्ड्स के अंदर भी नई शुरुआत हो रही है लेकिन किस चीज की शुरुआत है अब जो स्वॉर्ड्स होते हैं ना ये हमारे थॉट्स को बताते हैं हमारे कम्युनिकेशन को बताते हैं आपके पास आइडियाज कितने अच्छे हैं वो बताएंगे तो जब एस ऑफ स्वॉर्ड आएगा तो आप पर्सन को बता सकते हैं कि आप जो है एक नए आइडियाज के साथ काम करने वाले हैं आपके पास नई नई चीजों के दिमाग में आपके कुछ चीजें ऐसी चलेंगे कि आपके पास नई नई आइडियाज आएंगे और आप किसी के साथ बात करने की शुरुआत कर सकते हैं अब यहाँ पे देखेंगे आपको एक क्राउन नजर आ रहा है जिसके ऊपर फूल पत्तियां दिख रही हैं है ना तो ये एक विनिंग सिचुएशन को बता रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर एक नया जो एक आइडिया जन्म लेगा नई सोच जन्म लेगी उसको इम्प्लीमेंट करके आप लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे ग्रोथ हासिल करेंगे और आपको सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी विनिंग सिचुएशन होगी तो ये आपको विनिंग सिचुएशन भी बताता है तो स्वॉर्ड्स के कार्ड जब भी आएंगे ना आपको बस आइडियाज़, कम्युनिकेशन, नई सोच और सच के साथ रहना सच का साथ देना बोलना है अगर ये कार्ड आता है किसी पर्सन के लिए सपोज आपके पास कोई आया जिसने पूछा कि मेरी शादी होने वाली है बताइए मेरा पार्टनर किस टाइप का पर्सन होगा तो वो पर्सन कैसा होगा बहुत इंटेलिजेंट होगा उसके पास नए नए आइडियाज होंगे उसका दिमाग बहुत चलता है हर चीज में उसके पास सॉल्यूशन होता है बहुत सारे दिमाग में उसकी योजनाएं बनती है प्लान बनते हैं और वो बड़े सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट भी करता है इम्प्लीमेंट करके वो सक्सेस हासिल करता है ऐसा हम बोलेंगे ये जो लोग होते हैं ना एस ऑफ वर्ड अगर आप एज अ पर्सनैलिटी निकाल रहे हैं बता रहे हैं अगले बंदे को तो एस ऑफ वर्ड वाले लोग जो हैं, इनको ना एक तो सच पसंद है सच सुनना पसंद है और सच बोलना पसंद है तो ये लोग एक तो झूठ को बर्दाश्त नहीं करते और दिखावे में तो ये लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते तो ये लोग थोड़े से ना जैसे कम्युनिकेशन इनका बड़ा क्लियर होता है जो भी बात करेंगे एकदम क्लियर कट करेंगे घुमा फिरा के बात इनको नहीं आती जो बात है वो आपके मुंह पे करेंगे आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों को सीधा बात करने की आदत होती है मुंह पे बोलते हैं पीठ पीछे नहीं बोलते तो ये वो वाले लोग होते हैं जो सीधा मुंह पर और सीधी बात करते हैं घुमा के बात नहीं करेंगे जैसे ये आपके साथ फेयर डीलिंग्स करते हैं ऐसे ही ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनके साथ फेयर डीलिंग्स करो इनके साथ सच बोलो सच्चाई इनको सुनाओ सच्चाई के साथ ये रहना चाहते हैं बड़े प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग ना इमोशनल नहीं होते इमोशनल लेवल पे आपसे कोई बात नहीं करेंगे अगर आप इनको इमोशनल बातों में बहलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे नहीं सुनेंगे वो बोलेंगे कि नहीं ये सब बुला बुला बुलाझे मत, मत सुनाओ जो क्लियर कट बात है वो बताओ तो क्लियर कट बात करने वाले होते हैं ऑनेस्ट होते हैं ट्रस्ट वर्दी होते हैं ट्रुथफुल होते हैं तो कभी भी दगा नहीं करते धोखा नहीं करते ठीक है मुंह पर थोड़े से तेज होते हैं बोलने पर लेकिन पीठ पीछे बुराई नहीं करते इनकी आदत होती है जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी तो ये वो लोग बिल्कुल भी नहीं होते ये सीधा बोलेंगे सीधी बात करेंगे लेकिन मन के अंदर इनके प्योरिटी होती है सच्चाई होती है ठीक है इसीलिए कई बार इन लोगों की बातें आप लोगों को चुभती भी है जैसे आपने देखा ही होगा कि जो लोग सच बोलते हैं और साफ बोलते हैं सच सुनना भी कठिन होता है और सच बोलना भी कठिन होता है राइट तो ये सच बोलते ये। हैं सच का साथ देते हैं तो इनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है ना ये दिखावा करते हैं लाइक like, ये ना बड़े चूजी भी होते हैं जैसे अगर इनको कोई अपने अपने लिए ड्रेस चूज करनी है ना तो ये इमोशंस में आके नहीं चूज करेंगे कि हाँ ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है ये ड्रेस बड़ी स्मार्ट सी लग रही है इसको मैं ले लेता हूँ नहीं ये पता है कौन सी कौन जब भी कपड़े खरीदने जाएंगे ये कैसे कपड़े खरीदेंगे वो जो इनको जरूरत है कि ये मेरे को यूनिफॉर्म की ज़रूरत है तो मेरे को यूनिफॉर्म खरीदनी है ये मेरे को पार्टी के लिए एक ड्रेस चाहिए तो ठीक है मेरे ऊपर बस ठीक लगनी चाहिए उनको कुछ मतलब नहीं होता कि कलर कॉम्बिनेशन क्या है या कैसा मतलब इमोशंस में आके महंगी है सस्ती है महंगी चीजें खरीदेंगे बस ये की इन इनको उस चीज की जरूरत होनी चाहिए तो जरूरत मुताबिक ही ये चीज खरीदते हैं फालतू में जो एक्सपेंसेस है एक्स्ट्रा मनी ये लोग स्पेंड नहीं करते ठीक है तो हर चीज में ना ये लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं अगर फैमिली रिलेशन में भी हैं तो बड़े प्रैक्टिकल बात करेंगे सीधी बात करेंगे और इमोशंस में आकर बह करके ना ही तो आपकी बात सुनेंगे ना ही अपने डिसीजंस देंगे तो एज अ पर्सन ये लोग बड़े लॉयल भी होते हैं ऑनेस्ट होते हैं अगर कोई पूछता है कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील करता है क्या सोचता है क्या चाहता है वो तो यहाँ पर आपको बोलना है कि सेम चीज कि ये लोग बड़े ट्रस्ट वर्दी है ट्रूथफुल पर्सन है तो ये इनकी फीलिंग्स भी वैसी हैं मतलब ये ठीक है आपको मन से प्यार करेंगे हो है दिखावा ना करें इतना ज्यादा जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो दिखावा ज्यादा करते हैं साथ नहीं देंगे बट दिखावा करेंगे कि हाँ मैं तुम्हें प्यार बहुत करता हूँ तुम्हें हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा तुम्हें ले, तुम्हें जो भी चीज चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगा लेकिन जब उसकी जरूरत होती है तो लोग नजर नहीं आते हैं है ना तो ये ऐसे लोगों में से नहीं है ये बोलेंगे नहीं एक्सप्रेस नहीं करेंगे लेकिन आपके साथ स्टैंड करेंगे जिस चीज की आपको जरूरत होगी वो आपको ला करके देंगे आपके नीड्स का ध्यान रखेंगे आपकी जरूरतों का Uh, हो सकता है डिजायर पूरी ना करें लेकिन नीड्स जरूर पूरी करेंगे ठीक है तो इस टाइप के लोग होते हैं फेयर होते हैं इनको फेयर रहना और फेयर दिखना और फेयर बोलना मतलब हर चीज में इनको फेयरनेस चाहिए होती है तो ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है जरूर इनको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलती है एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं मतलब एक आइडिया इनके पास आया और उसी टाइम पे ये एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं अगर कोई पूछता है कि आ, मेरा कोई काम कब हो जाएगा तो कब हो जाए के, के लिए आपने बोलना है कि इमीडिएटली आपका काम हो जाएगा आपको अभी एक्शन लेना चाहिए टेक एक्शन नाउ तो ये एक्शन का टाइम है क्योंकि ये वेट करने का टाइम नहीं है ये अब प्रैक्टिकल टाइम आ गया है जब आपको काम करना ही है क्यों फेयर डीलिंग्स तभी तो होंगी जब आप उसके ऊपर कुछ करेंगे है ना एक्शन लेने का काम है तो भगवान की साइड से आपको एक मूवमेंट आपको एक आइडियाज एक नई नई सोच नहीं, नया कुछ ऐसा इन्वेंशंस करने के लिए भगवान ने आपको कुछ चीजें दी हैं कि आप अभी स्टार्ट करो उसको अभी एक्शन लो तो ये एक्शन का कार्ड है इस तरह से बहुत पॉजिटिव एनर्जी है एयर एलिमेंट है और ये समाइम्स ना ये एक्सीडेंट भी दिखाता है एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो स्वर्ड है ना वो ऑब्स्टेकल्स तो दिखाएंगे क्योंकि अभी ये तलवार है तलवार हाथ में पकड़ रखी है तो ये एक्सीडेंट या कट लगना भी बताता है किसी सिचुएशन के अंदर अगर बंदा आपके पास आया है कि मेरे को हेल्थ में कुछ दिक्कत आ रही है या हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो अगर ये आता है तो हम बोल सकते हैं कि आपको क्या छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई कट लगा है अगर नहीं लगा है तो वो चीज अभी हो सकती है क्योंकि प्रेजेंट में काढ़ा है ठीक है तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है हेल्थ में हम इस तरह से भी बोलेंगे बाकी किसी भी सिचुएशन के लिए आप डायरेक्शन में ये सब बोल सकते हैं एलिमेंट इनका एयर है अगर कोई पूछता है कि मेरा पार्टनर मेरी जिसे शादी होने वाली है वो बंदा किस राशि का है तो आप बोल सकते हैं कि वो जेमिनी लिब्रा या इक्वेरियस किसी एक राशि का हो सकता है राइट right. तो ये इसके कीवर्ड्स देखेंगे न्यू आइडियाज ट्रुथ विक्ट्री सक्सेस मेंटल क्लैरिटी अब क्या है कि जब ये वाला कार्ड आएगा ना आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं जो चीजें अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे अब वो धुंधलापन सब खत्म हो गया है अब चीजें आपको समझ आ रही हैं क्लैरिटी हो गई है ब्रेक थ्रू हुआ है कुछ नई सोच नई कुछ चीज ने जन्म लिया है जिस कारण से आप उस चीजों को अब समझ पा रहे हैं ability to concentrate अब आप concentrate कर पाओगे चीजों के ऊपर अगर वो present में आया past में आया था तो इस तरह से कोई नए ideas हुए थे कुछ चीजों में आपको clarity हुई थी और आप जो है concentrate कर पाए थे आपका communication level बड़ा अच्छा हो गया था realizing the truth अब इन लोगों को past में आपने कुछ truth को जाना था समझा था और किसी के साथ आपने सच बोला था या आपने सच सुना था ठीक है तो इस तरह से हमें एस ऑफ स्वर्ड को एक्सप्लेन करना होता है अगर कोई बोलता है कि मेरे को ये काम मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा तो यस हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है और हम देखेंगे कि एसिस के जितने भी कार्ड सॉरी स्वर्ड्स के जितने भी कार्ड हैं उनमें एस ऑफ स्वर्ड ही है जो यस बोल रहा है और या फिर किंग और क्वीन यस बोलते हैं बाकी सारे कार्ड्स मोस्टली नो में जाते हैं क्यों क्योंकि स्पॉट्स ऑब्स्टेकल दिखाते हैं प्रॉब्लम दिखाते हैं ऑब्स्टेकल आती ही आती है आपकी लाइफ में ये प्रेशर भी दिखाते हैं अब यहाँ पे हमने बोला कि एक चीज की नई शुरुआत हुई है है ना स्वॉर्ड हाथ में लेकर के एक नई चीज की शुरुआत हुई है एक चीज अभी शुरुआत हुई है बट वो यहीं पर ही अच्छी है अब जैसे जैसे वो बढ़ती रहेगी ना तो मेंटल क्लैरिटी बंदे की कहीं ना कहीं खराब होती रहती है अब जैसे अगर दो आ गया टू ऑफ स्वॉर्ड आ गया अब दो नंबर जो है वो चंद्रमा का कार्ड है और स्वॉर्ड जो है वो आपके ऑब्स्टेकल दिखा रही है और आपको ये भी बताया था मैंने कि दो नंबर जब भी आता है वो डिसीजन में चॉइसेस को बताता है तो यहाँ पर बंदे के पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं चाहे वो आपका टू ऑफ वैंड है चाहे वो आपका टू ऑफ स्वॉर्ड है अब यहाँ पर देखेंगे तो ये लेडी है ना बड़े आराम से एक स्टूल के ऊपर बैठी हुई है और पीछे देखेंगे तो पानी ही पानी नजर आ रहा है चंद्रमा उल्टा है तो चंद्रमा जब भी उल्टा होता है ये डिप्रेसिव सिचुएशन को दिखाता है अब इस लेडी के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है वो क्यों हो गई है क्योंकि जो इसके थॉट्स हैं क्योंकि स्वॉर्ड्स जो हैं वो थॉट्स होते हैं जैसे मैंने ए सब स्वॉर्ड में बताया था अब इसके पास दो थॉट्स हैं और थॉट्स भी क्या है बहुत बड़े बड़े थॉट्स हैं तलवारें हम देखेंगे तो ये नॉर्मल से बड़ी तलवारें लग रही हैं राइट right? तो इस लेडी ने अपने दोनों हाथों को भी क्रॉस कर रखा है तो अब ये क्या सिचुएशन हो गई ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है चीजों को मना कर रही है और इसके पास दो थॉट्स हैं या दो ऑप्शंस हैं जिसमें से ये डिसाइड कर कर नहीं पा रही है इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चॉइस के साथ जाऊं डिसीजन के साथ जाऊं यहाँ पर इसके जो आइडियाज हैं बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं अब हम देखेंगे तो इसकी आंखों के ऊपर भी पट्टी बंधी हुई है तो आंखों के ऊपर पट्टी बंधना क्या मतलब इसको क्लैरिटी दिख नहीं रही इसको समझ नहीं आ रहा दो थॉट्स हो गए दो तलवारें हो गई दो ऑप्शन हो गए बहुत बड़े बड़े इसके थॉट्स हो गए तो इसकी मेंटल क्लैरिटी थोड़ी सी खत्म हो गई है इसका अटायर देखेंगे तो बिल्कुल वाइट कपड़े हैं जिस चीज के ऊपर बैठी हुई है वो भी वाइट है तो जिस चीज पे बैठी है तो आप मैंने आपको यह भी बताया था कि जिस चीज के ऊपर बंदा बैठा हुआ है या जिस चीज को साथ में लेकर चल रहा है वो उसकी सिचुएशन है अब इसकी सिचुएशन भी बहुत ठीक है प्योर सिचुएशन है ये खुद भी मन से बहुत प्योर है अब इतनी प्योरिटी के साथ ना बंदा किसी को दुख नहीं देना चाहता ये खुद दुख दुखी हो जाते हैं अब ये खुद दुखी है क्यों क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रही इसके पास जो ऑप्शंस आए हैं दो इन दोनों में से ये समझ नहीं पा रही कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए या इसके साथ जाना चाहिए तो यहां पर इनको इनकी अपनी इंट्यूशन को यूज करने के लिए बोला जाता है अब यहाँ पर देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं साथ में फेसिंग फियर्स फियर्स भी फेस कर रही है वो डिवाइडेड हो गई है दो के अंदर डिवाइडेड हो गए क्यों बोला क्योंकि इसने हाथों को क्रॉस किया हुआ है अब पीछे देखोगे तो ना आप पानी ही पानी नजर आएगा जब बंदा इतना ज्यादा किसी सिचुएशन के अंदर फंस जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे को इसके साथ जाना चाहिए या इसके साथ जाना चाहिए है ना तो इसके इमोशंस लेवल्स बहुत ज्यादा अंदर से बढ़ गए हैं वो किस लिए बढ़ गए हैं क्योंकि मून की एनर्जी आ रही है चंद्रमा वीक हो गया है डाउन हो गया है ये इसको क्लैरिटी नहीं हो रही ये अंदर ही अंदर घुट रही है ये अंदर ही अंदर अपने आप में पेन फील कर रही है तो डिसीजन लेते हुए इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है ये समझ नहीं पा रही कि मेरे को क्या करना चाहिए किस डायरेक्शन में जाना चाहिए अब अगर ये कार्ड आपका बिजनेस बिजनेस के के लिए आ जाता है है बंदा आपसे पूछ रहा है कि अभी मेरे को प्रेजेंट में में अपने business के बारे में या जॉब के बारे में जानना है और आपने ये वाला कार्ड निकाल दिया तो आप उसको क्लियरली बोल सकते हो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर आप अपने बिजनेस के अंदर कहीं दो चीजों में फंसे हुए हैं वो दो चीजें कोई भी हो सकती है हो सकता है कि किनी दो क्लाइंट्स के बीच में आप फंसे हुए हो या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिनके बीच में आप एकदम से फंस गए हो आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और अगर जॉब है तो हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन होंगे आप दोनों में से समझ नहीं पा रहे हो कि किस साइड पर आपको जाना चाहिए किसको चूज करना चाहिए किसको मना करना चाहिए किसके साथ रहना चाहिए तो ये जो डिफिकल्ट डिसीजन है इस टाइम पे आपका चल रहा है जिस वजह से आपके मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है चंद्रमा का उल्टा होना मेंटल स्ट्रेस दिखाता है और यहाँ पर आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो एकदम दिमाग होता है ना बंदे का बंद हो गया है समझ नहीं पा रहा कि मेरे को आगे करना क्या चाहिए मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए तो ये वो वाली सिचुएशन इस टाइम पे आपकी हुई पड़ी है तो अब ये बंदा पूछेगा कि अब फिर मेरे को क्या करना चाहिए तो क्या करने के लिए तो फिर हम इनके लिए एक और कार्ड निकालेंगे पर हम हम इनको बोलेंगे कि आप अपने इंट्यूशन का यूज कीजिए क्योंकि चंद्रमा जो उल्टा हुआ है ऐसा तो नहीं है कि आपका दिमाग काम नहीं करता बस ये है कि आप इस टाइम पे डिप्रेसिव हो और दो नंबर के कार्ड में हम अपनी इंट्यूशन का अपने दिमाग का अपने कॉन्फिडेंस का और अपनी विल पावर का यूज करने के लिए ही बोलते हैं तो आप इनको बोलेंगे कि आप अपने दिमाग से सोचो कि आपके लिए ज्यादा बेटर चीज क्या है आपको उसके साथ ही जाना चाहिए इसी तरह से अगर रिलेशंस में आ जाता है ये वाला कार्ड तो रिलेशंस में भी सेम सिचुएशन है आपकी आप दो जनों के बीच में कहीं पे फंस गए हो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए अपने रिलेशंस में मैं आ ग, आ, और ये बैठ गई है ये एक्सेप्ट भी करनी कर रही मतलब आप मना भी कर रहे हो कि मैं मेरे को नहीं दोनों में से किसी एक को चूज करना आप समझ भी नहीं पा रहे हो और आप मना भी कर रहे हो और आप बैठ गए हो मतलब आप अभी एक्शन लेने के मूड में भी नहीं हो क्योंकि जब बंदा खड़ा होता है ना तो उसका एक्शन वाला मूवमेंट होता है उस टाइम पे लेकिन अभी इसका एक्शन वाला मूवमेंट नहीं है ये आराम से बैठ करके बस दिमाग के इसके द्वंद चल रहे हैं अंदर से और ये कंफ्यूज और ये बस फंसी पड़ी है कि भी ये करूं वो करूं अगले एक पल सोचती है कि इसके साथ जाऊंगी अगले दूसरे पल सोचती है कि इसके साथ जाऊंगी तो जो इसके थॉट्स है ना उसकी जो लेंथ है ना वो सीमा से बाहर हो गई है मतलब इतना ज्यादा इसके मेंटल पे प्रेशर हो गया कि ये एकदम से अपनी जो इसकी ये सिचुएशन है कंडीशन है उसमें इसके थॉट्स इसकी सीमा से बाहर हो गए हैं, जो कि इसको मेंटल प्रेशर मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं तो और इमोशंस इसके ऐसे बिल्कुल बहने वाले हुए पड़े कि ये लोग ना रोने लग जाते हैं आप इनसे बात करोगे ना तो ये एकदम रोना ही स्टार्ट कर देते हैं और आंखों से ऐसे आंसू बहेंगे जैसे आपको पीछे तालाब नजर आ रहा है तो इनको यही बोला जाता है कि देखिए आप अपना दिमाग यूज करो आप थोड़ा सा सोचो अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि आपके लिए किस चीज के साथ जाना बेटर रहेगा फॉर टाइम बिंग आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो इतना जल्दबाजी मत करो लेकिन आपको अपना दिमाग सोच करके दिमाग खोल कर कर ही डिसीजन लेना पड़ेगा अदरवाइज आप इस तरह से ही कंफ्यूज रहोगे तो ये हमेशा दो चॉइसेस को दिखाता है अगर कोई पूछता है कि क्या मेरे को मेरा ये काम हो जाएगा तो आंसर इज नो क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी कोई कार्ड आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपने क्या देखना होता है बंदे की सिचुएशन पीछे का इन्वायरमेंट और नंबर तो हमें सिचुएशन देख के क्या पता चल रहा है सिम्बोलॉजी कहती है कार्ड की नो no, नहीं करना इसको काम तो ये नहीं करेगी आंसर इज नो क्या मेरी शादी हो जाएगी नो no. क्या हम हम मकान बना लेंगे नो no. तो किसी चीज के लिए भी ना है लेकिन अब वो ना कितने टाइम के लिए है टाइम बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए हम ना नहीं बोलेंगे ऐसा क्यों क्योंकि ये माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं मेजर कार्ड्स में आप दो ढाई साल की प्रिडिक्शन देते हो उससे ज्यादा की नहीं देते लेकिन माइनर कार्ड्स में हम मैक्सिमम छ से आठ महीने की देते हैं अब क्योंकि हमारा ये एयर एलिमेंट है और ऑटम सीजन को बता रहा है तो हमारे नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे कि आपका काम कितने दिन के लिए नहीं होगा जैसे किसी ने पूछा कि मेरे हस्बैंड से मेरी बात नहीं हो रही है इतने दिनों से तो हमारी बात कब तक हो जाएगी अब बात के लिए हम छह आठ महीने तो बोल नहीं सकते राइट तो वहां पे हम बोलेंगे कि आपकी बात दो दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है हाँ उसके बाद हो सकती है अब डिपेंड करता है कि आपका और आपके हस्बैंड का थोड़ा सा और भी पूछ लेंगे कि अगर दो दिन के अंदर आपकी बात दो दिन का तो बिल्कुल भी नहीं लग रही दो दिन के बाद भी अगर तो ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं कई बार क्या होता है हस्बैंड वाइफ सेपरेट रह रहे होते हैं तब आपकी बात दो हफ्ते तक नहीं होगी ऐसा बोलेंगे लेकिन आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम इसमें नहीं बोलना क्योंकि एयर एलिमेंट है ये छोटी एनर्जी है ये दिन दिनों की बात करेंगे इसमें या फिर आप हफ्तों की कर सकते हो लेकिन इससे ज्यादा आपको बात नहीं करनी ये जितनी जल्दी एनर्जी आती है उतनी जल्दी ही चली जाती है तो फिर आप इनको यही बोलोगे की ये फॉर टाइम बींग ये जो सिचुएशन है ये मूवमेंट है ना कुछ टाइम के लिए है दो दिन से लेकर हो सकता है आप दो तीन हफ्तों तक कंफ्यूज रहोगे लेकिन उसके बाद चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगे और आप स्टेबल हो जाओगे तो इस टाइम पर आप इतना रोधो मत अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा स्टेबल करो अपने आप को स्टेबल करो अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको थोड़ा सा बढ़ाओ अपनी इंट्यूशन का यूज करो और जो दो चीजों में से आप नहीं चूज कर पा रहे हो उसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ तो ये सिचुएशन ज्यादा लंबी नहीं है ये निकल जाएगी आप अपना डिसीजन बना पाओगे सेम अगर कोई पूछता है कि मेरा पार्टनर किस साइड से आएगा तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे और किस राशि का होगा तो आप ये तीनों राशियां बोलेंगे मेरी शादी कब होगी ऑटम सीजन बोलेंगे और छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए दो दो दिन या दो हफ्ते बोलेंगे राइट और अगर कोई पूछता है कि ये पर्सन कैसा है लाइक इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है अब वहां पर तो हमने एस में देखा था कि पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है उसके पास बहुत आइडिया आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें देख के क्या पता चल रहा है कि ये पर्सन कैसा है तो ये पर्सन तो बहुत कंफ्यूज है इस टाइम पे उसके इमोशंस बहुत हाई हैं तो ये बंदा ना छोटी छोटी बातों पर बातों का बतंगड़ बहुत बनाता है क्योंकि थॉट्स इसके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सीमा से बाहर हो जाते हैं तो ये अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कोई भी अगर इंपॉर्टेंट सिचुएशन आती है तो वहां पे ये डिप्रेसिव हो जाता है ये कुछ भी चूज नहीं कर पाता इसको समझ में नहीं आता कि मेरे को किस साइड पे जाना चाहिए तो ये सिचुएशन इसकी होती रहती है वैसे बंदा ठीक है बंदा प्योर है ऑनेस्ट है वो मन से साफ है वो किसी को दुख नहीं देना चाहता इसीलिए वो ऐसी सिचुएशन में हर बार फंस जाता है कि वो किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहता और खुद पेन लेता रहता है तो डिप्रेसिव रहती है ऐसे लोग जो होते हैं आपका जो पार्टनर है वो बहुत दिल से छोटा होगा हम बोलते हैं ना कई बार की बंदा दिल से बहुत छोटा है दिल से नाजुक है तो दिल से नाजुक है ये छोटी छोटी बातें इसको हर्ट करती हैं ये पेन ले लेता है उस चीज का ये छोटी छोटी बातों पे रोने भी लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी का बुरा नहीं सोचता वो अपने थॉट प्रोसेस में ही फंस जाता है तो अगर ये आपका पार्टनर बनने वाला है तो आपको भैया इसको थोड़ा सा तो सपोर्ट करना पड़ेगा आपको इसको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी इसके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इसको आपको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं उससे ये घबराए नहीं और अपनी पोजीशन के लिए और अपनी सिचुएशन के लिए जो है डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाए तो ये सिचुएशंस में फस जाते हैं लोग क्लियर है yes. जी yes, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स अब थ्री हम देख रहे हैं कि तीन साइड से तलवारें दिल के अंदर आकर के लग गई और दिल में छेक हो गया अब दिल में छेक हो गया तो फिर बंदा खुश तो हो नहीं सकता राइट तो ये पेन का कार्ड है ये दर्द का कार्ड है जो लोग जो प्यार में धोखा खाए होते हैं जो किसी से धोखा खा लिया होता है वो लोग हमेशा दर्द भरे गीत सुनते हैं तो ये लोग वही लोग हैं जो दर्द भरे गीत सुनते हैं ठीक है तो अगर कोई पूछता है कि मेरा पार्टनर किस टाइप का पर्सन है तो भाई आपका पर्सन तो बड़ी जल्दी इजिली हर्ट हो जाता है और उसने रिसेंटली कहीं से धोखा भी खाया है इस टाइम पे तो वो बहुत ज्यादा पेन में है और क्योंकि ये पर्सनैलिटी जो है हमने उसकी अभी के लिए निकाली है तो प्रेजेंट में उसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की और ये माइनर कार्ड है तो ये थोड़े ही टाइम के लिए दिखाता है तो ये इसके साथ हम पर्सनैलिटी के लिए तीन कार्ड निकालते हैं तीन कार्ड में आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है कि बंदा किस टाइप का बंदा है ठीक है तो ये वाला कार्ड बीच में क्या बताता है कि आपका वाला जो पर्सन है वो बहुत जल्दी चीजों से हर्ट हो जाता है उसको भी बड़ी जल्दी पेन हो जाता है जैसे दो नंबर में उस लड़की को हो रहा था इस इस बंदे को ना लोग अलग अलग साइड से धोखा देते हैं मतलब इसको एक साइड से धोखा नहीं मिलता इसको जब भी धोखा मिलता है ना इसको सभी साइडों से मिलता है इधर से भी इधर से भी हर साइड से ये धोखा खा करके परेशान होता है पेन में रहता है और ये फिर अपना दर्द अपना दुख किसी को दिखाता नहीं और ये लोग भी बहुत रोते हैं हम देखेंगे तो पीछे बादलों में से पानी गिर रहा है जो कि इस बंदे के इमोशंस को दिखा रहा है तो ये लोग भी अपने इमोशंस नहीं दिखाते और रोते हैं रिलेशन में अगर ये कार्ड आए तो ये डाइवोर्स दिखाता है सेपरेशन को दिखाता है दिल टूटना दिखाता है हार्ट ब्रेक दिखाता है अगर हेल्थ में आए तो ये हार्ट अटैक भी दिखाता है और दिल से जुड़ी हुई बीमारियां ये, ये दिखाता है हार्ट में ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉकेज हो जाती है वो दिखाता है वेंस में ब्लॉकेज दिखाता है तो हर तरह से ब्लॉकेज दिखाता है ये कार्ड लोनलीनेस दिखाता है तो आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं अकेला फील कर रहे हैं वो भी उनकी सिचुएशन भी डिप्रेसिव है तो काफी सारी चीजें जो हमने दो नंबर में जानी थी वो इस पर्सन के साथ है क्यों क्योंकि इसको भी धोखा मिला है इसने भी दर्द खाया है ये दर्द में है पेन में है सेपरेशन बताता है ये है ये कार्ड सैडनेस दिखाता हार्ट अटैक सोरो अपसेट सिचुएशन डिसऑर्डर्स और कंफ्यूजन तो ये लोग भी डिसीजंस लेने में इनको भी दिक्कत होती है ये भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाते एयर एलिमेंट सेम एलिमेंट तो सेम ही रहेगा सबका जेमिनी लिब्रा इक्वेरियस सेम चीजें रहेंगी और अगर कोई पूछे कि मेरा काम कब हो जाएगा कब के लिए आप तीन दिन से लेके तीन हफ्ते बोल सकते हो कि तीन दिन से लेकर के तीन हफ्ते के अंदर तो हमें नहीं लग रहा वो मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि नेगेटिव कार्ड है तो इतने से इतने दिन तो नहीं होगा उसके बाद होगा काम ठीक है तो यहाँ पर भी अगर कोई बोलता है कि मेरे को मैं कहीं पे जॉब देख रहा हूँ तो बताओ मेरे को जॉब का ऑफर लेटर आ जाएगा तो नहीं दिख रहा हमें हमें तीन दिन से लेकर तीन हफ्ते तक तो कोई भी आपका जॉब ऑफर लेटर नहीं दिख रहा है जो भी बात बनेगी आपकी उसके बाद ही बनेगी अगर ये बिजनेस के लिए आया तो बिजनेस में आपने इस टाइम पे फेलियर देखा है आप पेन में हो लोगों ने आपको बिजनेस में धोखा दिया आपका पैसा मार लिया आपसे कुछ चीजें छुपाई जिस कारण जब वो चीजें रिवील हुई तो आपको बहुत ज्यादा पेन हुआ आपको लॉस बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा और जिस वजह से आप स्ट्रेस में आ गए डिप्रेशन में आ गए और वो धोखा आप सहन नहीं कर पाए तो प्रेजेंट में बिजनेस की सिचुएशन क्या है धोखे की है पेन की है अगर ये पास्ट में आया था तो पास्ट में आपने बिजनेस में धोखा खाया था पास्ट में और किसी एक पर्सन ने आपको धोखा नहीं दिया अलग-अलग लोगों ने दिया इधर से इधर से बीच में से हर साइड से लोगों ने आपको खाया आपको लोगों ने पेन दी आपके साथ दगाबाजी की जिस वजह से आपने बहुत बड़ा लॉस फेस किया हो सकता है कि आप बीमार भी हो गए हो आपको कोई दिल की प्रॉब्लम भी होगी हो सकता है कि आप उस वजह से आपको डिप्रेशन में चले गए हो तो ये सब चीजें आपने फेस करी हैं अगर यही कार्ड फ्यूचर के लिए आ जाता है तो हमें यही वाली सिचुएशन दिख रही है तो फ्यूचर में आपको आने वाले टाइम के अंदर बिजनेस के अंदर अलग अलग लोगों से धोखा मिलने की उम्मीद है अब क्या होता है कि अगर हम लोगों को ये बोलेंगे ना कि आपको धोखा मिलेगा तो वो और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे तो हमें क्या बोलना है कि आपको केयरफुल रहना है फ्यूचर में हमें ये सिचुएशन दिख रही है कि लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं आपका पैसा मार सकते हैं आपको दर दे सकते हैं आपको लॉस करवा सकते हैं जिस वजह से आप अपने बिजनेस में आप अपने रिश्तों में दिक्कत फेस करेंगे आपका लॉस होगा तो उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए ऐसा हम बोलेंगे हाँ जी ये समझ आ रहा है ना आप लोगों को ठीक yes, है नेक्स्ट है हमारा फोर ऑफ स्वॉर्ड्स अब फोर जो है वो राहु की एनर्जी है फोर में बंदा फियर में है ये बंदा भी स्ट्रेस में है अब आप देख रहे होंगे कि ना स्वॉर्ड्स के सभी कार्ड्स में हमें स्ट्रेस प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल ही नजर आ रहा है अभी तक सिर्फ एस ऑफ स्वॉर्ड को छोड़ के वहीं पर ही सक्सेस दिख रही थी लेकिन दो के अंदर भी कंफ्यूजन थी दो के अंदर स्ट्रेस था तीन के अंदर वो तीन तलवारें हो गई और ज्यादा बढ़ गया अब यहाँ पे चार हो गई हैं तलवारें जिसमें से तीन तो ऊपर लटक रही हैं, एक नीचे पड़ी है तो अब इसकी सिम्बोलॉजी को समझेंगे यहाँ पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा है माइंड के ऊपर तो हमारे सारे ही स्वर्ड्स के कार्ड आपको स्ट्रेस दिखाते हैं प्रॉब्लम दिखाते हैं इस बंदे के दिमाग के ऊपर भी मेंटल जो स्ट्रेस है बहुत ज्यादा बढ़ गया है ओवरलोड हो गया है ये बंदा अब रिलैक्सेशन के मोड में चला गया है मेडिटेशन के मोड में चला गया है ये बंदा एकदम से ना चुप कर गया है क्वाइट हो गया है इसने ब्रेक ले लिया है चीजों से हॉस्पिटलाइजेशन भी दिखाता है क्योंकि ऐसे जैसे स्ट्रेचर पर बंदा लेटा हुआ है ये हमें दिख रहा है तो अगर ये एक आर्ड आया है आपकी रीडिंग में स्पेशली हेल्थ की अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये पर्सन इस टाइम पर हॉस्पिटलाइज्ड है अगर फ्यूचर में आया तो हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है इंट्रोस्पेक्शन भी दिखाता है कि ये अपने ऊपर काम कर रहा है सोच रहा है और हाथ भी जिसके जुड़े हुए हैं तो माफी मांग रहा है अब ये ना अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से इसको रीड करना होता है कि एक तो इस बंदे के सिर के ऊपर तलवारें लटक रही हैं इसके ऊपर बहुत प्रेशर है माइंड इसका काम नहीं कर रहा ये एक ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस गया जहां पर इसके लिए भी टू ऑफ वर्ड की तरह डिसीजन लेना मुश्किल हो गया है कि इसको क्या करना चाहिए क्या इसको अपना हथियार उठाना चाहिए या फिर इसको अपना हथियार रखना चाहिए तो ये इस टाइम पे डर में भी है और ये ऐसा भी सोच रहा है कि ये जो लोग खिड़की में दिख रहे हैं अब ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से भी हम इनको देखेंगे कि हो सकता है कि ये लोग इसकी इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं इसके खिलाफ कुछ प्लानिंग बना रहे हैं इसको लॉस करने की सोच रहे हैं ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है कि ये बंदा इस टाइम पे ये सोच रहा है कि वो लोग बहुत खुश हैं ना मेरी सिचुएशन तो इतनी फंसी हुई है लेकिन वो बहुत खुश है तो हो सकता है ये इमेजिनेशन भी कर रहा हो कि ये जो खुशियां इतनी दूर है मुझसे ये कभी मेरे पास आएंगी मैं उस हैप्पीनेस को पा सकूंगा या नहीं पा सकूंगा तो ये अपने ऊपर वर्क कर रहा है अपने थॉट्स बना रहा है इस टाइम पे फियर में है तो इस बंदे के साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है जिसमें इस बंदे के माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर है ये कुछ डिसीजन नहीं ले पा अपनी तलवार को भी नीचे लेटा दिया ये इसकी तलवार है क्योंकि uh, ना ये आपको आर्ग्यूमेंट्स भी बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्योंकि कम्युनिकेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो आर्ग्यूमेंट करता है बंदा अब इसने क्या किया अब इसने आर्ग्यूमेंट छोड़ दिए अपनी तलवार को नीचे रख दिया अब ये किसी के साथ बहस नहीं कर रहा अब ये सोच रहा है कि अब मेरे को किसी से कुछ माता पच्ची नहीं करनी है मेरे को सब चीजें थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स कर लेना और छोड़ देनी है अब ये अलग अलग रीडिंग्स में कैसे आएगा सपोज कोई बंदा बिजनेस के लिए आया जॉब के लिए आया तो आप इसकी ये वाला कार्ड आ जाता है प्रेजेंट में तो आप बोल सकते हैं कि इस टाइम पे प्रेजेंट में आपके बिजनेस की सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है जिसमें कि आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं और आप फियर में हैं, आपके मेंटल बहुत स्ट्रेस हो गया है डिप्रेसिव आप फील कर रहे हो, ऐसा कि जैसे कि आपने किसी का पैसा देना है और आप सोच रहे हो कि अगले बंदे ये जो दूर लोग खड़े हैं ये मेरे खिलाफ कुछ एक्शन ना ले ले इस टाइम पे आपने सब चीजें भगवान भरोसे छोड़ दी हुई हैं और आप एक रिलैक्सिंग मोड में हो मतलब आप वेट कर रहे हो कि वो क्या एक्शन लेंगे ऐसा आप वेट कर रहे हो या फिर अगर आप जॉब में हो तो हो सकता है आपके जॉब में आपकी सिचुएशन इस टाइम पे लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये पीछे से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आप इनकी बातें सुन सुन के आप थक गए हो अब आप सोच रहे हो कि मेरे को इन लोगों से कोई माथा बच्ची नहीं करनी ना ही तो मेरे को इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने हैं ना ही मेरे को इनसे लड़ना है तो आपने थोड़ा सा साइड मोड ले लिया है और आप रिलैक्स में चले गए हो आपने इन सबको छोड़ दिया आपने छोड़ दिया इनको जो करना है मेरे खिलाफ जो कंस्पिरेसी करनी है जो बॉस को भड़काना है जो किसी को कुछ करना है ये लोग करते रहे अब मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है जो होगा देखा जाएगा तो अब इसकी सिचुएशन है जो दे होगा देखा जाएगा क्योंकि ये चार नंबर की एनर्जी है राहु की एनर्जी तो प्रॉब्लम इस टाइम आप फियर तो फेस कर रहे हो स्ट्रेस तो आपके माइंड पे बहुत ज्यादा है और इसलिए आपने सब चीजें छोड़ दी हैं। अगर ये फ्यूचर के लिए आता है तब हम इस बंदे को एडवाइस करेंगे यहाँ पे कि आपको अगर आपकी सिचुएशन फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली हो जाती है जहां पर आपको ये समझ में आता है कि लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं आपके खिलाफ कॉन्स्पिरसी कर रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं तो आपको उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करना आप चीजें अपने हथियार फेंक देना आप छोड़ देना आप उनसे लड़ोगे भी ना आप कुछ भी उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है आपको चीजों को भगवान भरोसे के लिए कुछ टाइम के लिए तो छोड़ना पड़ेगा अब वो कितने टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा आपको चार दिन से लेकर के चार हफ्ते तक चीजें छोड़नी होगी मतलब एक महीना अप्रोक्सीमेटली एक महीने में सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी लेकिन इस सिचुएशन में आप किसी से उलझना नहीं अगर आप किसी से उलझोगे और अपनी ये तलवार अपना ये हथियार जो आपने फेंक रखा है और ये आप उठा लोगे तो प्रॉब्लम उससे सुलझने वाली नहीं है उससे और खराब होने वाली है वो किस लिए क्योंकि राहु की एनर्जी है और अगर एक बार राहु बिगड़ गए खराब हो गए तो फिर सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी इसलिए आपको सिर्फ होल्ड कर देनी है चीजें इस टाइम को निकलने देना सब चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी बाकी अगर कोई पूछता है कि मेरा पार्टनर किस टाइप का पर्सन है तो टाइप के लिए आप बोलेंगे कि वो बंदा फियर में में है स्ट्रेस में है स्ट्रेस परेशानी में है डिप्रेसिव उसका स्टेट ऑफ माइंड है तो और इस टाइम पे उसने सब चीजें भगवान भरोसे छोड़ रखी है और वो रिलैक्सिंग मोड में है क्योंकि उसके माइंड पे स्ट्रेस है वो बंदा फियर में रहता है या इस टाइम पे फियर में है तो ये हमारा फोर ऑफ वर्ड्स का पूरा इंटरप्रिटेशन है बाकी एयर एलिमेंट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बंदा किस डायरेक्शन से आएगा शादी किस पर्सन से होगी ये सब आप यहाँ से देखकर के बताएंगे और काम कितने दिनों में होगा चार दिनों से लेकर के चार हफ्ते तक तो नहीं होगा और आपको करना भी नहीं चाहिए उसके बाद कीजिए तब आपकी चीजें सब ठीक हो जाएंगी सो आई होप आप सबको समझ आ गया अच्छे से फॉर ऑफ स्वॉट्स यस मैम यस अंडरस्टैंड्स